बच्चों क्या चल रहा है एन्जॉयमेंट चल रहा है वेकेशंस चल रही हैं आई नो आपको वेकेशंस मिली हैं छुट्टियां मिली हैं तो थोड़ा सा रिलैक्स करने का मूड होता है मन करता है घूमने फिरने का खूब नींद भर के सोने का और खूब अच्छा अच्छा वैरायटी खाने का और जगह जगह जाने का ठीक है ट्रिप करने का टूर करने का लेकिन फुल डे एन्जॉयमेंट तो आपको नहीं करना चाहिए एज अ फ्रेंड मैं आपको एक बहुत अच्छी सलाह देना चाहती हूँ कि आपको फुल डे में आपको वन या टू आर नहीं निकालना चाहिए क्योंकि आप सोचिए यदि आपके जब स्कूल जुलाई में खुलेंगे आपके कॉलेज या स्कूल जुलाई में खुलेंगे तब आप अगर इस टाइम बुक्स को टच भी नहीं करेंगे नहीं उठाएंगे तो क्या होगा आपका माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा सब कुछ डिलीट हो चुका होगा इसलिए स्कूल खुलने से पहले आप फुल डे एन्जॉयमेंट करने के साथ साथ वन या टू आर अपनी स्टडीज़ के रिवीजन में प्रैक्टिस में ज़रूर दें जो आपके डाउट्स हैं पुराने जो आपका सिलेबस स्टार्ट हो चुका है उसके या आगे के जो आपके डाउट्स हैं क्वेरीज हैं उनको क्लियर करें थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहें थोड़ा थोड़ा रिवीजन करता रहें जिससे क्या होगा जब आपके स्कूल या कॉलेज खुलेंगे तो आपको एकदम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होना पड़ेगा क्योंकि आपका माइंड क्या होगा माइंड मेकअप होगा कि हाँ हम इतना हम पढ़ चुके हैं पता है एकदम अननोन नहीं है इसलिए इस प्रैक्टिस को इस रिवीजन को तो थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ टाइम देकर दिन में आप इसको बराबर कंटिन्यूस करते रहें ठीक है और आई नो आपके पेरेंट्स भी यही चाहते होंगे कि आप फुल डे अपना एन्जॉयमेंट में वेस्ट नहीं करें यानी कि वन या टू आर तो थोड़ा थोड़ा स्टडीज को कुछ कुछ टाइम तो अपनी स्टडीज़ को भी देना ज़रूरी होता है इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं इस टाइम अपने चैनल पर जो वीडियोस अपलोड कर रही हूँ वो आपकी आ, मैं शॉर्ट आपके डाउट्स को क्वेरीज़ को या क्वेश्चंस को उनके सॉल्यूशन देने के लिए ही उन वीडियोस को अपलोड कर रही हूँ ताकि आप उन शॉर्ट वीडियोस को उन आप आ, आ, अपने प्रॉब्लम्स को क्वेरीज़ को इन वीडियोज़ की हेल्प से बहुत ही ईजिली प्रैक्टिस करते हुए सॉल्व कर सकें ठीक है इन वीडियोज़ के साथ साथ आप अपनी प्रैक्टिस भी जारी रखिएगा देखिए आपकी ग्रामर मैथ जो भी आपका सब्जेक्ट है सब में आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट और हेल्प मिलेगा एंड प्लीज मुझको एज अ फ्रेंड समझते हुए मेरी इस एडवाइस को इस छोटी सी सलाह को आप जरूर फॉलो करें जिससे आपको आपके जो रिजल्ट्स आएंगे आगे जाके वो आपको बहुत ही सेटिस्फेक्शन देने वाले हैं बहुत ही बेनिफिशियल होंगे और आप उनसे इतने संतुष्ट होंगे आपको ये फील होगा कि हमने छुट्टियों में थोड़ी थोड़ी जो प्रैक्टिस करी जो रिविजन किया वो हमारा आगे एग्जाम्स में बहुत ही काम So please keep enjoying, revising and practicing. Bye bye.